सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के अंतर्गत बहुविकल्पीय क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक पढ़ लिया है और इसमें हम 44 से पढ़ने वाले हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग देख लीजिए। हर एक विषय का पवन सीरीज, राजन सीरीज हमने खत्म कर दिया है। इंग्लिश का भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छे हो, इसके लिए रेगुलर हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर करें। सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी प्रशिक्षुओं ने हमसे पढ़ाई की थी, उन सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे और सभी प्रशिक्षुओं ने यहाँ करके फिर वापस कमेंट करके बताया भी था कि उन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया है। तो आप लोग भी अपनी मेहनत अच्छे से करिए, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए रेगुलर वीडियोज लेकर के आ रहे हैं ताकि आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आए। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए हर एक विषय का नोट्स बनाया, वो भी हैंड रिटन नोट्स, हाथों से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाया, उनकी वीडियोस बनाई, उसके बाद आप लोगों के लिए पूरे का पूरा पवन सीरीज, पूरे का पूरा राजन सीरीज सॉल्व करवाया, मैक्सिमम सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए और आप लोगों के लिए ही हम टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप भी लेकर के आए। तो आपको वीडियोस के लिंक, टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारे वीडियोस की, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 8 के 8 सब्जेक्ट की, और आपको सभी की वीडियोस में कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा। अगर आप ऐप में पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ऐड या कोई प्रचार बीच में नहीं आएगा, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होकर के केवल और केवल बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्बेंस के केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा और आपको पूरी की पूरी पवन सीरीज की पीडीएफ, जिसमें आपके बहुविकल्पीय, अर्ध लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चंस हैं, और राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ मिलेगी। तो पवन राजन पूरी पीडीएफ ही आपको मिल जाएगी इनकी। तो आपको अलग से इन सीरीज को खरीदने की भी मार्केट से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जहां कहीं कोई समस्या आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में, आप हमसे पूछिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा 8 के 8 विषयों की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर टाइम, पर्पज, कंडीशंस या ऑल ऑफ देम। दोस्तों, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टाइम भी है, पर्पज भी है, कंडीशंस भी है, तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज, लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ। तो ये सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों के बारे में विस्तार से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कंजक्शन टॉपिक जिन भी प्रशिक्षुओं ने देखा है उन्हें कहीं कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप बच्चों को कोई चित्र दिखा रहे हो, उस चित्र के माध्यम से आप कोई कहानी कहना चाह रहे हो, जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी को आप चित्र के माध्यम से बच्चों को बता रहे हो, तो उस कहानी को आपको किस तरीके से बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन देना है, कैसे आपको उसका कंपोजिशन बताना है, कैसे फिर आपको कंक्लूजन बताना है, कि अगर हम धीरे धीरे ही अपना हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है इस पिक्चर कंपोजिशन में यही चीज। ये किस लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का दिमाग तेज हो और बच्चे धीरे धीरे कहानी लिखना भी सीखें अपनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 47 है, गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स, नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। तीसरा है, द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द काजेज एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी दिया है, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डिस्क्रिप्टिव पिक्चर हमें मिलता है तो हम किस तरीके से उसको केयरफुली पढ़ते हैं, उस पर अटेंशन पे करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर वो पिक्चर्स जो है हमें जो मिला है
उसमें हमें कौन सी कहानी हमें बनानी है और कौन सी कहानी या पिक्चर्स कह रहे हैं उनको हमें ध्यान से देखना है, और फिर हमें किसी या किसी कंक्लूजन पे आना है कि वाकई जो हमें मिला है ये चित्र कहानी, इस कहानी का कंक्लूजन क्या है या उपसंहार क्या है, क्या इससे हमें क्या सीख मिल रही है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर, 2 टाइप्स, 3 टाइप, 1 टाइप या 5 टाइप्स। जो लेटर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ऑप्शन ए जो है 2 टाइप्स, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। ये सभी एक गुड यानी कि अच्छे लेटर, अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। उसमें हेडिंग अच्छी पढ़नी चाहिए, ग्रीटिंग अच्छा होना चाहिए और बॉडी उसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो अंदर आपने बातें लिखी हैं वो किस तरीके से जो सामने वाला पत्र को पढ़े वो आपकी भावनाओं को समझ जाए। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर वर्क। रायबर्न, बिनिंग एंड बिनिंग, लेस्टर बी स्टैंड्स या फिर नन ऑफ देम। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम कुछ पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ भी टीच करते हैं, कुछ सिखाने जाते हैं, तो हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस होता है उस चैप्टर के बारे में या उस प्रकरण के बारे में, हमारे पास जो भी नॉलेज होती है वो हमें बच्चों को पहले दे देनी चाहिए और उस चैप्टर के बारे में पहले एक भूमिका बना देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है रायबर्न, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिशन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या ऑल ऑफ दिस। द पॉपुलर फॉर्मेट्स, ये सभी बिल्कुल पॉपुलर अप्रोचेस हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी चीजें आती हैं प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 53 है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या फिर मिक्स्ड सेंटेंस है? किस प्रकार का सेंटेंस है? दोस्तों यह एक सिंपल सेंटेंस है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। यह एक सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस है? जिस भी सेंटेंस में आपको दैट दिख जाएगा, दैट दिखते हैं आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर टेंस से आए तो छूटे ना। दोस्तों टेंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर, तो हर एक टेंस के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार है, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर, तो फ्यूचर टेंस के भी 4 ही प्रकार है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी सही है, इसके अलावा एक और भी है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि तीनों टेंसेस को 4 4 पार्ट में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू, तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर, दोस्तों प्रीपोजिशन को जो आप लोगों की बुक में माना गया है वो 5 प्रकार माना गया है, तो ऑप्शन डी सही यहाँ पर लगा लीजिए। और प्रीपोजिशन मैंने सारे करा दिए हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से चैप्टर पढ़ाया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। एक ही चैप्टर में मैंने पूरा प्रीपोजिशन भी खत्म किया है, कंजक्शन भी खत्म किया है और दोनों से
एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सम जनरल प्रीपोजिशन आर एट, ऑन, फॉर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एट, ऑन, फॉर, इनटू, विद इन, अबव, ओवर, फ्रॉम, ऑफ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मेनी काइंड ऑफ कंजक्शन आर देयर। तो कंजक्शन दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये चार प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन आते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा टू टाइप्स के होते हैं, आप लोगों की बुक में भी, आपके कोर्स में भी टू टाइप ही बताया है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन, यहाँ पर ये भी होता है, याद रखिएगा। चारों चार के चारों प्रकारों को मैंने विस्तार से बताया है और इससे क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट दिया हुआ है, यानी कि खाली स्थान दिया हुआ है, इसको हमें फिल करना है। वी शैल कम डैश एंड आवर, एट भरेंगे, टू भरेंगे, इन भरेंगे या ऑफ भरेंगे, यानी कि हम एक घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे, कम यानी कि वापस आ जाएंगे। तो देखिए, तो एक घंटे के अंदर आ जाएंगे, यानी कि यहां पर लग जाएगा वी शैल कम इन एन आवर, एक घंटे में आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द बस वॉज पासिंग डैश अ टनल, तो इन, थ्रू, अपॉन या फ्रॉम। जब कोई भी चीज सुरंग से होकर गुजरती है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए हम थ्रो का प्रयोग करेंगे, द बस वॉज पासिंग थ्रो अ टनल। इसके अलावा यहाँ पर अगर ट्रेन होता तो भी वही आंसर होता, ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, अक्सर ट्रेन ही यहाँ पर देता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, ही इज नॉट इलिजिबल डैश द पोस्ट। इलिजिबल के साथ हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ही इज नॉट इलिजिबल फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी एज वेल एज फॉर बट या नाइदर। दोस्तों यहां पर हो जाएगा ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी, यहां पर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल इज, मिक्स्ड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड सेंटेंस। सुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। क्वेश्चन नंबर 69 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। न्यूज की वह आ रहा है यह सही नहीं है। देखिए यहां पर इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, द न्यूज ऑफ द ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज ट्रू, द न्यूज दैट ही विल बी कम इन कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, या फिर द न्यूज ही विल कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज दैट ही विल नॉट कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 70 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, When the sun set, we returned home. इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। दोस्तों इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। सूर्य अस्त हो गया और हम घर वापस लौट गए। क्वेश्चन नंबर 71 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड,
बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी एंड लेटर पैटर्न। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर ही आधारित है स्ट्रक्चरल अप्रोच, और आसानी से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सारे के सारे टीचिंग मेथड मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 73 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है डिफरेंट, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है, मैंने बार बार बताया है स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग दिखती है लोगों को, जब आप बोलते हो तो आपकी बातें लोग सुनते हैं। तो इस तरीके से जो जो बाहरी दुनिया आपका जो ज्ञान बाहरी दुनिया देखती है वही क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल होता है, तो स्पीकिंग और राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 75 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। द बुक्स आर डैश द टेबल ऑन अपॉन इन या फिर फॉर। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन रहेगा तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, चूज अ सुटेबल प्रीपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना डैश द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें क्या भरा जाएगा, ऑन अपॉन फॉर या एमंग। दो लोगों की बात होगी, राम एंड श्याम, सीता गीता, दो लोगों की बात होगी। अगर दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी है तो बिटवीन, और अगर दो से अधिक लोग हैं तो यहाँ पर क्लास के बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर संख्या ज्यादा है, और जहां पर भी संख्या ज्यादा हो और क्लास में यहाँ पर देखिए केला बांटना है बच्चों में, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, एमंग लगेगा। दो या दो से अधिक लोगों के लिए, दो या दो से नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो से अधिक, तीन चार पांच छह दस बारह बीस पचास जितनी भी संख्या होगी सबके लिए एमंग लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना एमंग द बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ऑफ योर क्लास। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। आप देखिए 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ही इज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी टू फ्रॉम फॉर या फिर विद। राइट आंसर है ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं, जो हमारे बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश, तो इसमें हम रीडिंग, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन बोलना बहुत कम सीख पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में इंग्लिश बहुत कम होती है, तो रीडिंग और राइटिंग अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये जो हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है हमारे देश में पढ़ाया जाता है, इसमें बच्चे पढ़ना और लिखना इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 81 है, बी अवेयर डैश डॉग, बी अवेयर के साथ हमेशा ही ऑफ यूज होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, मैक्सिमिलियन, बर्लिज, सी जे डॉटसन, कृपा के गौतम या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है मैक्सिमिलियन बर्लिज। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो सेकेंडरी लैंग्वेज भाषा के चार कौशल होते हैं, सुबो पली, तो सुनना और बोलना ये दोनों
प्राइमरी हो गए और ये सेकेंडरी कौन हुआ? पढ़ना और लिखना। तो आप देखिए पढ़ना लिखना कहाँ है? रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल है ये दोनों, और सुगोपली सुनना और बोलना ये क्या है? ये प्राथमिक स्किल है या प्राइमरी स्किल। क्वेश्चन नंबर 84 है, सी इज इलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर। तो इलिजिबल के साथ क्या प्रयोग हुआ हमेशा? फॉर। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन? 2, 4, 3 या फिर 5? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4, ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 86 है, फिल इन द ब्लैंक इफ आई वर अ रिच मैन डैश यू। दोस्तों इसमें वुड हैव हेल्प्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो इफ आई वर अ रिच मैन डैश आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर मैं धनी होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तो यहां पर वुड हैव हेल्प्ड, वुड, देखिए जब भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा जो इफ के साथ शुरू होगा और पहला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो निश्चित रूप से जो दूसरा होगा वो इस तरीके से वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही शुरू होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए राजन सीरीज के। पवन सीरीज का सिर्फ एक पार्ट बनेगा, उसको भी आप लोग देखिएगा, इसके तुरंत बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी समस्या है आप हमसे बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की लिंक मिल जाएगी और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में आपको बहुत सारे वीडियोस तो मिलेंगी, हर एक विषय की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस पवन सीरीज की भी पीडीएफ मिलेगी, रजन सीरीज की भी पीडीएफ मिलेगी। और आप वहां पर जाकर के बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ना तो कोई ऐड ना कोई प्रचार आएगा, आसानी से आप सारे वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।